दूसरी लाइन है इसको हम मूव करते रहेंगे। अब मान लो हमने इसे यहाँ रख दिया इस तरह से, तो हमने इसको सेट कर दिया यहाँ से। अब एक कोण तो यहाँ बनना है, ये वाला एक कोण यहाँ बनना है, एक ऊपर बन रहा है और एक कोण आपका बनना है ये। तो इन कोणों को हम बोलते हैं शीर्षानुभूत कोण, क्योंकि ये एक दूसरे के वर्ड अपोजिट हैं। जब हम इस वाले कोण को नापते हैं तो यहाँ से तो इधर वाले, क्योंकि ये डी है ना जो ये फुल प्रोटेक्टर है, इसमें दोनों तरफ से होते हैं, ऊपर इधर से भी जीरो स्टार्ट होते हैं इधर से भी जीरो। तो यहाँ से जब नापते तो ये पता चला कि 40 डिग्री है। जब इसको नापते तो यहाँ से भी ये 40 डिग्री है, तो बच्चा उसे देख सकता है इसमें कि यहाँ 40 डिग्री दोनों तरफ सेम बैठ रहा है। तो ये इधर का कोण और इधर कोण जो एक दूसरे के अपोजिट है वो बराबर हो। इसी तरह से ऊपर वाला भी नाप सकता है वो, ऊपर वाले को नापेंगे तो हमारी ये बेस लाइन तो हमारी है ये पहले से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक नापा तो ये बैठ रहा है 120 डिग्री नेचुरली। जब इधर मुझे बैठ रहा हमारा 340 इधर बैठ रहा हमारा 140 ये वाला। तो जब इधर से हमने देखा इसको तो बेस लाइन तो हमारी है, तो यहाँ से भी ये जो बैठ रहा है यहाँ से कितना बैठ रहा है, इधर से लेकर बेस लाइन हमारी यहाँ से, तो ये भी 140 बैठ रहा है। यानी कि 140 यानी कि ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल ये भी 140 है और इधर के एंगल इधर ये 40 है। अब उस लाइन को हम बदल देते हैं, अगर हम बदल देते हैं तो यहाँ पर भी सेम बैठेगा 80 डिग्री और 80 पे कर दिया मैंने 80 और इधर से बैठ रहा है 100 और 100। तो ये बच्चा उसमें से इस विंडो में से देख सकता है, छोटी विंडो बन रही है इसमें, तो ये हो गया आपको सीट बदल देता है।